सऊदी की रॉयल फैमिली के 5 डर्टी सीक्रेट्स। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। साल 2015 में किंग सलमान के सऊदी अरब के बादशाह बनने से पहले शायद ही किसी ने उनके बेटे शहजादा मोहम्मद सलमान का नाम सुना होगा, लेकिन 32 साल का ये शहजादा अब सऊदी हुकूमत के सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाने लगा है। सऊदी रॉयल फैमिली को दुनिया की सबसे अमीर रॉयल फैमिली में गिना जाता है। सऊदी शहजादे गोल्ड प्लेटेड कारों में चलते हैं, यही नहीं बल्कि वह अपनी शानदार पार्टियां और महंगे लाइफस्टाइल के लिए भी दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन इस शाही खानदान के कुछ डर्टी सीक्रेट्स भी हैं। इन डर्टी सीक्रेट के बारे में शायद ही कोई जानता हो। आज हम आपको उन्हीं डर्टी सीक्रेट के बारे में बताने जा रहे हैं। डर्टी सीक्रेट है, जब किंग ने अपने भतीजे को मारी गोली। 1970 के दौर में किंग फैसल सऊदी अरब के किंग हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जनता के बीच बेहद फेमस थे। हालांकि उनका किंग बनना प्रिंस मसूद को बिल्कुल नहीं आया। एक दिन किंग फैसल आम लोगों से मिल रहे थे, तभी प्रिंस फैसल ने उन्हें सामने से गोली मार दी। प्रिंस ने किंग पर 3 गोलियां दागी। किंग की मौके पर ही मौत हो गई। डर्टी सीक्रेट 2, रॉयल फैमिली ने कराई राजकुमारी की हत्या। सऊदी रॉयल फैमिली के एक डर्टी सीक्रेट में अपनी राजकुमारी की हत्या वाली घटना भी शामिल है। सन 1977 में राजकुमारी मशाहल की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ उनके चचेरे भाई से करा दी गई। मशा इसके बाद पढ़ाई के लिए बेरूत चली गईं। वहां उनकी मुलाकात सऊदी राजदूत के बेटे खालिद से हुई। मशा और खालिद में प्यार हो गया। सऊदी रॉयल फैमिली ने इसका विरोध किया। मशा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। बाद में बेरूत की एक कार पार्किंग में खालिद के सामने ही मशा के सिर में गोली मार दी गई। खालिद का भी सिर कलम कर दिया गया। यह सब रॉयल फैमिली के कहने पर किया गया। बाद में मशा पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी। डर्टी सीक्रेट 3, प्रिंस के प्राइवेट प्लेन में मिली कई टन कोकीन। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नायफ बिल अल फवाज को दक्षिण अमेरिका और यूरोप में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए अमेरिका और फ्रांस में आरोप तय किए गए। प्रिंस ड्रग्स की तस्करी अपनी एक पूर्व मैक्सिकन गर्ल फ्रेंड के साथ करते थे। लेबनान एयरपोर्ट पर उनके प्राइवेट प्लेन में करीब 2 टन कोकीन बरामद की गई। सऊदी अरब के आग्रह के बाद प्रिंस को छोड़ा गया। डर्टी सीक्रेट 4, प्रिंस ने किया अपने गए पार्टनर कत्ल। कब हुई घटना? सन 2010 में प्रिंस सऊदी बिन अब्दुल अजीज ने अपने गए पार्टनर की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हत्या उन्होंने सऊदी अरब की जगह ब्रिटेन में की। इसके चलते यह बात पूरी दुनिया को पता चल गई। हत्या के जुर्म में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कैदियों की अदला बदली से जुड़े कानून के चलते उन्हें बाद में सऊदी अरब शिफ्ट कर दिया गया। वह फिर से आजाद हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब में गए होना अपराध है और यह कानून प्रिंस की फैमिली ने बनाया है। डर्टी सीक्रेट 5, जब प्रिंस ने नौकरानी का किया रेप। सऊदी प्रिंस माजिद बिन अब्दुल्ला अब्दुल अजीज 2015 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ठहरे हुए थे। यहां उन्होंने होटल रूम में एक नौकरानी के साथ जबरदस्ती की। मामला कोर्ट में पहुंचा। हालांकि बाद में सऊदी अरब ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस को बरी करवा लिया। प्रिंस के खिलाफ आरोप लगने वाली नौकरानी ने केस वापस ले लिया।